हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रहते रहते जय श्री राम। देखिए दोस्तों, आज मैं क्या बना रही हूँ, मछली बना रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा आगे तक, मछली इंड तक देखिएगा। छोटा मछली, बचला बड़ा मछली है। मछली धो रही हूँ अच्छा तरह से साफ। तो आप भी अपना मछली अच्छा तरह से धो लीजिए। कौन सा मछली है? कौन सा मछली है? रूपचंद मछली। आप लोग सब सुने हैं रूपचंद मछली? रूपचंद मछली, चंद्र नहीं, चंद्र चंद रूपचंद मछली। बाद में बना लो। तो ये मछली कमेंट में बताइएगा आप लोग सब खाए हैं, और रो और गरा ये सब मछली है, बड़ा मछली है। और पानी डालिए। देखिए दोस्तों, वो हो चुका है, मछली धुल चुका है। यहाँ पर मैं सरसों दाना रख ली हूँ, इसका पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पर टमाटर है, प्याज है, चाटो अदरक है, छोटा छोटा टुकड़ा, ये सब काट कर पेस्ट बना लेती हूँ। लहसुन का कली रखी हूँ, वो सब का भी पेस्ट बना कर रख लेती हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये टमाटर है, यहाँ पर लहसुन है, लहसुन का कली सब को पेस्ट बना लेती हूँ। सरसों दाना है, ये सब प्याज सब रखी हूँ, सब का पेस्ट बना कर मसाला का तैयार कर लेती हूँ। आगे मछली में देखिए दोस्तों, मैं मसाला सब पीस कर रख ली थी। अब यहाँ पर आकर छोटा मछली धुल चुका है, तो यहाँ पर मैट कर लेती हूँ। यहाँ पर हल्दी पाउडर, नमक मिक्स कर थोड़ा सा, और मिर्ची पाउडर मिक्स कर आइए मछली का जो है, यहाँ पर छोटा मछली है इसका अच्छी तरह से मैट कर रख ली कर कढ़ाई चढ़ा दिए। अब इसको रख लेती हूँ साइड में। देखिए दोस्तों, अब बड़ा मछली के लिए छोटा मछली तो रख ली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ा मछली है, इसे भी इसी तरह लहसुन थोड़ा सा पिसा हुआ, लहसुन का पेस्ट ये, और हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर ये सब मिक्स कर मैट कर लिए थे पहले ही। सॉरी गाइस, नहीं दिखाई मैट किया हुआ चीज, सो सॉरी उसके लिए। देखिए यहाँ पर सब डाल कर मैट कर रख दिए, कढ़ाई चढ़ा कर अब मैं तर रही हूँ मछली को। देख रही हो कितना बड़ा बड़ा मछली है, बहुत बड़ा मछली था, बहुत ज़्यादा मछली आया हुआ था मेरे घर में, बहुत बड़ा फैमिली है इसी तरह, इसीलिए। देखिए यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा कर मछली मैं तर रही हूँ, लाल फ्राई कर उसके बाद ही में मैं झोल लगाऊंगी। तो तरने समय तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, देखिए आगे तक मेरा मछली कैसा बना है। तो आप लोग भी ऐसा चीज खाते होंगे, ये खाली पेटी पेटी है, पूरा 4 किलो का एक ही मछली है, एक ही 4 किलो का मछली था। मेरे हस्बैंड जी कटवा कर लाए हैं, एक ही 4 किलो, 4 KG का था, बहुत इतना बड़ा। देखो दोस्तों, इतना मेहनत से मछली बना रही है, इतना तरह करनी है, ये बड़ा मछली है, ये छोटा मछली है, ये बनाने के बाद ये बनाऊंगी दोस्तों। मेरा ऐसा भरना बाबू बोलिए, मछली मैं मछली बनाती हूँ तो आपको कैसा लगता है खाने में? बड़ा हार्ड 1000% टेस्टी लगता है या नहीं? इतना टेस्टी लगता है, लगता है 5 स्टार होटल में खा रहा हूँ, होटल से भी अच्छा लगता है। देखिए गाइस, देखिए मेरे घर जा रहा हूँ, मेरा बहुत तारीफ कर रहा है, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, कुछ भी मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ। आप लोग भी आप अपने ऑडियंस को कैसे यकीन दिलाएंगे? मैं देख रहे ऑडियंस तो मेरा वीडियो तो देख ही रहे हैं कि कैसा बनता है मेरा खाना। देखिए दोस्तों, मेरा बड़ा मछली तला गया पूरा, मैं तर लिया अच्छा तरह। यहाँ पर छोटा मछली चढ़ा दिए हैं मेरे, छोटे मछली मेरे मम्मी को पसंद है, इसीलिए मम्मी जी को लाने के लिए छोटा मछली आया है मम्मी जी को लिए।
अब यहाँ पर मैं देखिए मसाला सब रेडी भी कर लिए हैं। अब छोटा मछली के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ अलग में, तो थोड़ा सा सरसों निकाल कर डाल देती हूँ एक बोल में। फिर दोस्तों एक बोल में निकाल लिए सारे मसाला को, सरसों का पेस्ट है और हल्दी उल्दी जितना है, मिर्ची उर्ची सब पाउडर है, मछली को तल ली है छोटा वाला मछली, और उसमें ऊपर से झोल को निकाल मतलब झोल को रख दिए। अब थोड़ा सा ऊपर बरकने तक इंतज़ार करती हूँ बरकने का, बरक जाएगा उसके बाद में इसे रेडी हो जाएगा खाने के लिए। बहुत क्रिस्पी लग रहा है। देखिए दोस्तों मेरा छोटा मछली हो चुका है। अब मैं एक पतीला ले ली हूँ, ये बड़ा सा पतीला है, इसी में मछली बनाऊंगी। ये अब गैस पर चढ़ा देती हूँ। इसमें देखिए दोस्तों मैं तेल तेजपत्ता सूखा मिर्च ये सब डाल दिए हैं, पाँच फोरन ये सब डालकर अब मसाला को भूनूंगी अच्छा तरह से। अब को रखती है खुद भूल जाती है ना, ये से मत लेना, मैं तो सब ले रहा हूँ। चल ब्लैकमेल क्या हुआ दोस्तों? देखिए दोस्तों मेरा मछली अब तला चुका है, पूरा मछली को तल लिए हैं, यहाँ पर झोल भी डाल दिए ये पतीला में, और जितना मछली है मैं खसा रही हूँ। देखिए दोस्तों वो सारा मछली है, अब इसको डाल देती हूँ मछली से। आप लोग सब इतना पसंद मछली खाइएगा। देखिए दोस्तों मेरा मछली बन गया, बनकर रेडी हो गया। देखिए मछली इसमें डाल दिए, बरक गया है पूरा अच्छा तरह से, सिद्ध हो चुका है। अब हरा धनिया पत्ता लास्ट में डालकर अब रेडी कर लिए खाने के लिए। अब खाने के लिए सर्व करेंगे। प्लीज़ अगर मेरा मछली आप लोग को पसंद आया हो, अब मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा कॉमेडी अच्छा लगा हो, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और मेरा मछली बोलिए कि मेरा मछली कैसा बना है। दोस्तों देखिए मेरा मछली का रंग, यहाँ पर थोड़ा लाइट कम है इसलिए अच्छा तरह से दिख नहीं रहा है, पर मेरा मछली बहुत टेस्टी बना है। दोस्तों मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है, मेरे भांजा बाबू को, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। आप लोग सब बताइए कि मेरा मछली देख कर कैसा लगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।